हुआवे P60 8 जो हुआवे की P60 सीरीज का प्रीमियम फोन है, फास्ट रिफ्रेश रेट, 4 साइड कर्व डिस्प्ले, प्रीमियम इन डिजाइन, एक्सेलेंट कैमरा सेटअप, ह्यूज बैटरी, फास्ट चार्जिंग एंड मेनी मोर। दोस्तों आज मैं हुआवे P60 8 का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन बताने वाला हूँ, जो हाल ही में लॉन्च हुआ फ्लैगशिप फोन है। मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे हैं टेक स्ट्रीट। और जैसे कि आपको पता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अपडेट सबसे पहले हमारी ही चैनल में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला गिव अवे देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए और हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले हुआवे P60 8 के अनबॉक्सिंग से शुरू कर लेते हैं। तो ये है हुआवे P60 8 का मेन बॉक्स। बॉक्स के ऊपर आइलैंड शेप मिल जाता है, जो कैमरा मॉड्यूल का शेप है। यहाँ पे स्लाइड करके इस बॉक्स को हटा लेते हैं और मेन बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हुआ P60 8 फोन ही देखने को मिल जाता है। फोन के प्लास्टिक रैप को रिमूव कर लेते हैं और बात करते हैं फोन के डिजाइन और बिल्ड की। हुआ P60 8 जो अमेजिंग डिजाइन के साथ आता है, फ्रंट में 4 कर्व डिजाइन मिल जाती है, सेंटर में सेल्फी कैमरा के लिए होल पंच मिल जाता है और स्क्रीन में बेजल्स भी बहुत ही पतली मिल जाती है। साथ में फोन की स्क्रीन कुनलुन ग्लास से प्रोटेक्टेड है, विच प्रोवाइड्स मोर स्ट्रॉन्गर एंड ड्यूरेबल प्रोटेक्शन। फोन का बैक देखे तो आइलैंड डिजाइन के साथ मिल जाता है और बैक में यूनिक टेक्सचर्ड भी मिलते हैं। P60 8 में 2 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, ब्लू एंड गोल्ड, और ये ब्लू कलर है। फोन में कैमरा मॉड्यूल आइलैंड शेप में मिल जाता है, जहां पे मेन कैमरा काफी बड़ा मिलता है और मॉड्यूल में एक्स मेजी का ब्रांडिंग भी मिल जाता है। दोस्तों मैं फोन का इन डेप्थ रिव्यू जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ, सो स्टे कनेक्टेड विद अवर चैनल। यहाँ पे तो सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन ही बताने वाला हूँ। फोन की फ्रेम मेटल की मिल जाती है, जो काफी सॉलिड फील देती है और फ्रेम में आर्क टेक्नोलॉजी का भी यूज हुआ है, यानी फोन को होल्ड करना काफी आसान होगा। बैक ग्लास का मिल जाता है और फोन में IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग भी मिल जाती है, तो बिल्ट में भी ये सॉलिड फोन है। फोन की थिकनेस 8.3 mm की है और वेट करीब 206 ग्राम्स का है। वैसे वेट तो यहाँ पे ज्यादा होना ही है, क्योंकि फ्लैगशिप कैमरा स्पेक्स मिलते हैं और साथ में हार्डवेयर भी फ्लैगशिप मिलता है। ऑल ओवर फोन के डिजाइन एक्सलेंट एंड आई कैचिंग मिल जाती है। और दोस्तों हुआवे P60 सीरीज में मैंने ऑलरेडी हुआवे P60 प्रो का अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू कर दिया है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में मिल जाएगी, जरूर से देख लें। हुआवे P60 8 में डिस्प्ले की बात करें तो फोन में हाई एंड फ्लैगशिप डिस्प्ले मिलती है, 6.67 इंच की OLED डिस्प्ले मिलती है, रिजोल्यूशन 1220x2700 पिक्सेल्स का मिलता है, 1 बिलियन से ऊपर कलर्स मिल जाते हैं और 100% DCI-P3 व्हाइट कलर गमुट मिल जाता है। साथ में रिफ्रेश रेट LTPO टेक्नोलॉजी के साथ आती है, रिफ्रेश रेट 1-120Hz मिल जाएगी, यानी पावर कंजम्पशन कम होगा। साथ में 1440Hz का हाई फ्रीक्वेंसी PWM डीमिंग फीचर भी मिल जाता है, यानी आंखों को भी प्रोटेक्ट करेगा। और दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट फोन के लीक्स, लॉन्च डेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे ट्विटर हैंडल को फॉलो करना ना भूलें, और लेटेस्ट गैजेट्स और फोन के अनबॉक्सिंग 1 मिनट में देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना ना भूलें। हुआवे P60 8 में परफॉर्मेंस की बात करें तो स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे 5G कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। साथ में फोन में इस बार बायडू सैटेलाइट कम्युनिकेशन फीचर भी मिल जाता है, जो सबसे पहले हुआवे की मेट सीरीज में इंट्रोड्यूस किया था। हुआवे P60 8 में कैमरा की बात करें तो रियर फेसिंग ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जहां पे प्राइमरी 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ आता है। लेकिन इसका मेन फीचर है वो है कैमरा में फिजिकल वेरिएबल एपेचर मिल जाता है, सेकेंडरी 40 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है और थर्ड 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ आता है और 3.5x ऑप्टिकल जूम को भी सपोर्ट करता है। आप यहां पे कैमरा सैंपल्स देख सकते हैं और यहां पे 4K वीडियो भी 60fps से रिकॉर्ड कर सकते हैं।
Huawei P60 8 में बैटरी की बात करें तो 5100 mAh की यूज बैटरी मिल जाती है, जो एवरेज यूज पे 1 से 1.5 दिन आसानी से चलेगी। बैटरी को चार्ज करने के लिए 88 वोल्ट का वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट मिलता है और 50 वोल्ट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। और इस 88 वोल्ट के चार्जर से बैटरी को 0 to 100% चार्ज करने में करीब 45 मिनट्स लगती है। Huawei P60 8 की प्राइस की बात करें तो बेस वेरिएंट की प्राइस चाइना में 8988 से शुरू होती है, जो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो रफली 1,08,200 तक जाती है। कंक्लूजन पे आया तो फोन में डिजाइन सुपर मिल जाती है, जो इस फोन का सबसे बड़ा एडवांटेज है। डिस्प्ले भी फ्लेक्सिबल मिल जाती है, परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा, कैमरा भी एक्सलेंट मिल जाता है, बैटरी भी अच्छी है। बस फोन में 5G कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, फ्लेक्सिबल प्रोसेसर का यूज भी नहीं हुआ है, यहाँ पर 8 Gen 2 मिलना चाहिए था। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं हुआ P60 8 के बारे में, कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा और कौन सी प्राइस में इंडिया में आना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए, और अगला की वो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल कर दिया, हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।